हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पाया जाकर। आज हम क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 9.3 का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, देन बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे आए। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, इफ डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, वो ए बी सी का, ए बी सी का। ओके, ट्राइंगल हो गया। सच दैट आर डी सी डी बी सी इक्वल टू ई बी सी, देन प्रूव दैट डी ई पैरेलल टू बी सी। अब इसमें क्या है, डी और ई एक पॉइंट है, डी और ई, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं डी और बी, डी और कौन सा है ई, और पॉइंट ऑन साइड ए बी, ये दे रखा है ए बी, ए बी साइड डी और ए सी साइड ई। अब इनको हम ज्वाइन कर देते हैं, जैसे कि हमने ये ज्वाइन कर दिया। ओके, ये हमारा फिगर बन गया। सच दैट, अब आपको बताना है कि इनका इक्वल एरिया है, देन ये पैरेलल है, यानी सबसे पहले पैरेलल तो खुद ही दिख रहे हैं, अपोजिट लाइन पैरेलल होती है, मीन्स ये वाली लाइन पैरेलल होती है, तो डी सी सॉरी डी ई पैरेलल इधर साइड जा रही है, वो कभी टच ही नहीं होगी, और बी सी वो भी इधर साइड जा रही है। अब हमें ये बताना कि ट्राइंगल डी बी सी डी बी सी डी बी सी और ई बी सी का एरिया इक्वल है, और वो देखने में आपको इक्वल लग ही रहा है डी बी सी और ई बी सी का। ओके, अब इसको लिखना कैसे ये देखिए, सॉल्व कैसे करेंगे, डी बी सी इक्वल टू सॉरी ट्राइंगल ट्राइंगल डी बी सी इक्वल टू ट्राइंगल ई बी सी आर ऑन सेम बेस बी सी ऑन सेम एरिया सॉरी इक्वल एरिया। And equal area. Okay, इनका equal area भी है और ये इनका same base भी, base भी same है और area भी equal है, तो ये proof हो गया, हमें ये proof करना था। Okay, और parallel भी बताने, तो हमें देखने में लग रहा है कि DE BC के parallel है, तो हम लिख देंगे DE BC के parallel है। Okay, हमें इसमें यही proof करना था। Okay, so this question is question number 7, exercise 9.3. Thanks.